नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपजेमिनी गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ बहुत सारे सैंपल गेम, जिससे आपकी गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। क्योंकि दोस्तों अभी भी आप लोग इस राउंड को इजी लेकर चल रहे हो, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये भी एक एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप इसका सिर्फ नाम जो है वो सोच रहे हो कि भाई गेम है, तो ये इतना इजी गेम नहीं होने वाला, ये लूडो नहीं होने वाला, ये सांप सीढ़ी वाला कोई गेम नहीं है, तो यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने हमारे चैनल टेक एंड टारगेट पर ऑलरेडी दो गेम्स डाल रखे हैं, दैट इज गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का डाल रखा है डिजिट चैलेंज, और सेकंड डाल रखा है डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग। एक बार को जो आप पार्ट वन देखोगे डिजिट चैलेंज, तो आपको कहीं ना कहीं ईजी लगेगा, तो भाई प्लीज एक बार पार्ट टू जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गेम बेस्ड का क्या लेवल होने वाला है। तो प्लीज आज की वीडियो में जो मैं गेम्स बताने वाला हूं, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन गेम्स का मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सूडो कोड की प्रैक्टिस नहीं की है, जो कि आसान होने वाले हैं, बट इनके साथ जो डेटा स्ट्रक्चर्स के एमसीक्यूज आएंगे वो कहीं ना कहीं टिपिकल हो सकते हैं, तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, सूडो कोड तो प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे जो आसान पार्ट है उसको तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व हो ही जाए आपसे। बाकी एक हमने अपने चैनल पर एक इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट की भी वीडियो डाल दी है कैपजेमिनी की साइट से, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल टेक एंड टारगेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों टेक एंड टारगेट को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में हम टारगेट सेट करके चल रहे हैं 250 लाइक्स का, तो दोस्तों बस इस पर 250 लाइक्स जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं सैंपल गेम्स। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सैंपल गेम्स को खेलना। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे सैंपल गेम दे रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब मैं आपको धीरे धीरे इंपॉर्टेंट गेम्स बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी पर टाइम नहीं होगा इतने सारे गेम्स खेलने का। तो दोस्तों हम लास्ट से चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अनब्लॉक गेम को, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम इसमें पहले बेसिक खेलने वाले हैं, नोविस ए, जहाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि ये गेम कैसे खेलना है। सो नोविस ए पर हम क्लिक कर देते हैं और फर्स्ट लेवल। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जो रेड ब्लॉक है आपको इसको बाहर निकालना है, एस्केप करवाना है, और ध्यान रखिएगा राइट टॉप स्क्रीन पर मूव्स देख लीजिएगा, जितने कम मूव्स हो चुके हैं उसमें ही आपका फ़ायदा है। जैसे आप ये जो वर्टिकल है उसको आप ऊपर कर दोगे, और जो हॉरिजेंटल में है उसको आप एस्केप करवा दोगे। तो दोस्तों इसमें हमारा परफेक्ट आ गया है, अब ये आपको आइडिया लग गया है। दूसरी में इजी एक और देखता हूँ। अब देखो इसमें भी ये लोग हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये हमने साइड की, ये ऊपर की, ये एस्केप कर दी। तो दोस्तों ऐसे हमें ये गेम खेलना है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप लोगों को इजी लग रहा हो तो एक बार खुद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसको हमें चार मूव्स में कंप्लीट करना है, तो देखते हैं हम इसको फोर मूव्स में कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले जो सबसे टॉप पे जो हॉरिजेंटल जो दे रखा है ब्रेक, इसको हम लेफ्ट में मूव करेंगे, फिर वर्टिकल राइट में जो वो है ब्रेक उसको ऊपर करेंगे। हमारे दो मूव हो चुके हैं, अभी भी हमारे पास दो मूव रह गए हैं दोस्तों। दोस्तों जो आपका लेफ्ट साइड में जो वर्टिकल है उसको हम नीचे कर लेंगे, एक मूव रह गया है, और हम एक मूव में अब इसको बाहर कर सकते हैं। तो ऐसे हमने इसको बाहर कर लिया है। अब हम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हम नोविस ए में जाते हैं और सेवन्थ लेवल को देखते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत, यहाँ हमें सिक्स मूव्स दे रखे और बहुत सारे ब्रिक्स हैं, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों इसमें सोच लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, भले ही 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाएं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर लेवल थर्ड या लेवल फोर तक नहीं पहुँचोगे तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जो जो ब्रिक वर्टिकल है वो वर्टिकली ही मूव होगी, और जो ब्रिक हॉरिजेंटल है वो हॉरिजेंटली ही मूव होने वाली है। दोस्तों पहले हम करेंगे ये जो सेकंड लास्ट रो में एक जो ब्रिक दे रखी है, इसको साइड में लेफ्ट में मूव करवा देंगे। अब ये जो दोनों ब्रिक दे रखी हैं इनको, अब दोस्तों इस गेम में थोड़ा सा मुझे भी डिफ़िकल्टी लग रही है, वेट मैं इसको ट्राई कर लेता हूं दोस्तों, लेट्स सी। हम्म,
नहीं हुआ दोस्तों ये भी। यहाँ हमें 8-9 मूव्स लग गए हैं, लेवल हमने पार कर लिया, बट जो हमें मिनिमम लेवल 6 पर करना था, अगर आप 6 पर कर सको तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम एक और लेवल देखते हैं, ये जो और डिफ़िकल्ट लेवल लग रहा है तो मुझे, तो इसमें दोस्तों एक चीज़ और सोचिएगा, ये जो आपका ब्रेक है बीच में, ये जो रेड ब्रेक के हॉरिजेंटल ब्रेक के जस्ट राइट में ये जो वर्टिकल ब्रेक है, इसका साइज़ देखिए, क्या ये नीचे जा पाएगा या ऊपर, पहले आपको ये भी सोचना है। अब इसमें मैं देखो सिंपल बताऊँ ना, पहले जो राइट में आपका ब्रेक दे रखा है इसको आपको ऊपर ले जाना होगा, ठीक है। मैं इजी से इजी सोच रहा हूँ कि और इजी क्या हो सकता है इसमें आपका। देखो ये जो आपका ये जो रेड ब्रेक के राइट में ये जो सबसे लंबा वाला ब्रेक है, ये ऊपर तो जा नहीं सकता, इसको हमें नीचे ही ले जाना है। ये हम आइडिया लगा लिया हमने, अब बाकी हम कम मूव्स में कैसे कर सकते हैं ये हमें सोचना है। हमारे पास 6 मूव्स और दे रखे हैं दोस्तों, तो यहाँ तो मैं खुद दोस्तों अटक गया इस गेम में। तो ये डिफिकल्ट हो गया है। सो इसमें अगर मैं हिंट लेता हूँ, ये तो हमने पहले कर ही लिया था, अगर आप हिंट के अकॉर्डिंग देखो तो हमारे 6 मूव्स में ये गेम हो चुका है। तो ये थोड़ा इस गेम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट गेम के बारे में बता दूं, बट इस गेम को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम पाइप्स वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम इजी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करना क्या है, जो यहाँ बॉल दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड की जो ब्रेक पर आप देखोगे, इसमें हमें राइट हैंड साइड पर जो टॉप जो एक्सट्रीम राइट में जो ब्रेक है उसके पास ये बॉल पहुँचानी है। तो ये बॉल यहाँ से दोस्तों पहुँच गई है, और इसमें भी मूव्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्ले नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, इसमें ज़रूर हमारे कितनी 3 मूव्स में करना है हमें ये, तो हमने ये लेवल भी पार कर लिया, तो दूसरा गेम ये हो गया, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों पाइप्स हो गया, अनब्लॉक हो गया। अब मैं मर्ज नंबर से पहले दोस्तों 2248 वाला गेम आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही शानदार गेम है। इसमें आपको देखो 4-4, 8-8 के पेयर बनाने हैं, जैसे 4-4 अगर आप करते हो तो 8 हो जाता है, 8-8 से 16 हो जाता है। इसमें दोस्तों आप वर्टिकली भी कर सकते हो, जैसे 2-2 हमने कर दिया, 4-4 कर दिया, 8-8 कर दिया, 4-4 कर दिया, तो ऐसे आप इस गेम को खेल सकते हो। इस गेम से यार प्रैक्टिस हो जाएगी, बट इस गेम में तो आप लोग बहुत आगे पहुंच जाओगे जितना मुझे लगता है, तो इस गेम में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये गेम हमें ऐसे खेलना है, और इसका ध्यान रखिएगा ये इतनी आसानी से नहीं, जब तक आप 1K 2K तक नहीं पहुंचा पाते हो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जितना ज़्यादा इस गेम को प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा इस गेम को प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको 1K 2K तक तो कोशिश करता हूँ अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो। तो मुझे भी मज़ा आ रहा है गेम खेलने में वैसे तो काफी ज्यादा। और जितने ज्यादा पेयर बना सको उतना ज्यादा बढ़िया, और जितने बड़े पेयर जैसे 128 128 128 256 का हमारा यहाँ पेयर बन गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ हम इस गेम को यहीं एंड करते हैं, तो काफ़ी बड़ा चलता रहेगा। जैसे हमारा 1K आ गया है, औसम लिखा आ गया है, तो कोशिश कीजिएगा ऐसे ही इस गेम को प्रैक्टिस करते रहिए, और 2K तक तो ज़रूर पहुँचेगा, 2K नहीं तो 4K तक भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो अब हम होम पेज पर आते हैं और नेक्स्ट गेम के बारे में बताता हूँ, लाइन्स के बारे में। तो इसमें पहले मैं नोविस ए आपको लेवल 1 खेल कर बता देता हूँ। इसमें आपको देखो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, और ऐसे गेम्स ही आने वाले हैं, ज़्यादा वैसे गेम नहीं आएंगे जो हम डेली लाइफ में खेलते हैं या फिर हर कोई खेलता है, मतलब
थोड़े दिमाग वाले गेम आने वाले हैं, जैसे कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे अभी तो ये इजीली आप सभी से हो जाएगा। देखो इसकी मैं दोस्तों टिपिकल लेवल बताता हूँ। ये तो देखो हो गया है, थोड़ा टिपिकल देखते हैं दोस्तों। लाइंस पे सेवेंथ लेवल देखते हैं। तो देखो अगर इजी लग रहा हो तो एक बार खेल कर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को तो यही लग रहा है गेम बेस इजी होने वाला है, मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। तो ऐसे ही दोस्तों खेल लीजिएगा, आपका इस वाले गेम की भी प्रैक्टिस हो गई है। तो इसमें दोस्तों यही गेम, चार गेम ज़्यादा ज़रूरी थे, लाइन्स 2-2-4-8 एंड पाइप्स एंड अनब्लॉक। अगर आपका टाइम हो तो बाकी गेम्स भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बाकी का एक दो गेम और खेल कर दिखाता हूँ, और मैं आपको इस गेम का ऐप का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। ब्रेन ट्रेनिंग, ये भी बहुत ही शानदार ऐप है दोस्तों। तो इस गेम में अब हम डिस्कस करते हैं, बहुत प्यारा गेम दिखाता हूँ दोस्तों। एक मल्टीटास्किंग, यार इस गेम को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस गेम को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी डिजिट चैलेंज वाले गेम की भी प्रैक्टिस इस गेम से हो जाने वाली है, और आपकी कहीं ना कहीं फास्टेस्ट और आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो भी फास्ट होने वाले हैं। तो मल्टीटास्किंग का हम जो पहला लेवल है वही खोल लेते हैं, क्योंकि वही मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ऊपर नीचे हमें कैलकुलेशन करने हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें हमें जितनी जल्दी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों वो हमें करने हैं। दोस्तों इस गेम में कभी कभी ना हम बिल्कुल स्टम्बल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। बट जितना प्रैक्टिस हो सके यार इस गेम को ज़रूर कीजिएगा। तो फोर दोस्तों यहाँ हमारा टारगेट स्कोर 370 आ गए। तो ऐसे दोस्त कर लीजिएगा, बाकी अब हम इसको एग्जिट कर लेते हैं। आपको और गेम्स भी बता देता हूँ, इसमें तो दोस्तों बहुत सारे गेम हैं, हमने जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें भी बता रखे हैं। बट अभी के लिए आप इन पांचों गेम को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये पाँचों गेम ही बहुत ही अच्छे हैं। और अगर ऐप पर टाइम हो तो बाकी सारे गेम्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही ऐप बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं अगर आपको गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ ही एंड करते हैं, और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।